नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा वीडियो जो घर के सामान के बारे में है। देखो, घर में जब कभी भी हम कुछ भी खरीदते हैं तो उससे पहले जो रिव्यूज होते हैं, जिन्होंने उसे यूज कर रखा होता है ना, वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उससे एक बार में ही हम सामान खरीदने का डिसीजन अच्छी तरह से ले सकते हैं और वो सही भी आ जाता है। तो मैं आज आपके साथ ऐसे ही कुछ अपने घर के आइटम शेयर कर रही हूँ जो मेरे लिए कुछ तो बहुत खराब निकले और कुछ ऐसे निकले जो कि वाकई मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी उनको लें। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी कोई भी प्रमोशनल या कोलैबोरेशन वाला वीडियो नहीं है। तो इसमें मैं आपके साथ सबसे पहले जो शेयर कर रही हूँ वो है स्पिन मॉप के बारे में। घर में हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके हाउस हेल्पर पूरे टाइम घर में रहें, और लॉकडाउन के टाइम में अब हमको जो है अपना घर का काम खुद ही करना पड़ता है। तो जो ये स्पिन मॉप है, ये घर के लिए एक जरूरी चीज हो चुका है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ये दो ब्रांड के हैं। एक है स्पॉट जीरो, जो कि मिल्टन का ब्रांड है, और दूसरा है एपेक्स ब्रांड का। जो ये मिल्टन वाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पहला, ये मैंने खरीदा था करीब आज से 2 साल पहले, और जहां तक मुझे प्राइस याद है, ये शायद 1150 या 1200 रुपीस का था। 2 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ लगातार, क्योंकि मेरे घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं सारा काम खुद करती हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, इजी टू यूज है, बिल्कुल ड्यूरेबल है, और जिसे कहते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी है। तो इसके साथ जो है मुझे मिला था एक इस तरीके की जो रॉड होती है ना, मॉपिंग रॉड होती है, जिससे कि आप पोंछा लगाते हो। ये छोटी या बड़ी हो जाती है, मतलब इसका ऊपर नीचे आप इसे करके अपने अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर सकते हो, और इसके साथ आपको रिफिल भी मिलती है। तो ये तो परफेक्ट चल ही रहा है मेरा, लेकिन हुआ क्या, मेरे घर में 2 पोर्शन है, तो मैंने अपने ऊपर वाले पोर्शन के लिए एक दूसरा, अभी करीब 3 महीने पहले मैंने एक दूसरा जो है यही स्पिन मॉप खरीदा, और ये था ब्रांड ये एपेक्स का। तो ये एपेक्स ब्रांड का मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। हुआ क्या, ये बिल्कुल सही है, वही स्पिन मॉप है, इसमें टब है, बकेट है, बिल्कुल वही है जैसे कि मिल्टन का जो होता है ना, जितने फंक्शन इसमें है सेम उतने ही फंक्शन इसमें है। और हाँ, कोई भी चीज शेयर करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर और देना चाहूंगी कि जो भी मैं अपने बता रही हूँ चीजें आपको, प्रॉज एंड कॉन्स, ये मेरे अपने रिव्यूज हैं, पर्सनल रिव्यूज हैं जब मैंने इन चीजों को यूज किया। तो जब मैंने इसको यूज किया, तो जहां तक टब की बात है वो तो ये परफेक्ट था, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं रॉड की, जिससे कि हम मॉपिंग करते हैं, पोंछा लगाते हैं, ये जो है देखिए इस तरह से यहां से टूट गई। ये इसके साथ सबसे बड़ी शिकायत आई, क्योंकि यही मेन चीज होती है जो हमारे काम में आती है। एक बार को अगर आपकी बकेट खराब हो जाती है, तो आप इसे जो है टैप के नीचे या वॉश बेसिन में क्लीन कर के भी जो है मॉपिंग कर सकते हैं, पोंछा लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ये रॉड टूट गई। और ये मैंने मुश्किल से यूज किया था 15 डेज, और उसके बाद ही ये जो है चीज मतलब खराब हो गई, और मैं इसको अब यूज नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए आइटम बिल्कुल बेकार साबित हुआ। और जहां तक मैं आपको मिल्टन की बात करूं, कंपेयर करूं, तो जो मिल्टन की रॉड है, ये हैवी है, ये अच्छी स्टील की बनी हुई है, क्योंकि जब आप पोंछा लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, जिससे कि रॉड पे जो है थोड़ा सा प्रेशर आता है। और ये रॉड मेरी आज तक खराब नहीं हुई है, और मैं अपने पूरे घर में पहले तो ऊपर और नीचे इसी से ही मॉपिंग किया करती थी। तो ये मतलब हैवी है, और इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, पहले मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन के लिए केवल एक रॉड लेकर आई थी, इसका ब्रांड मुझे याद नहीं है। इसके संग भी सेम प्रॉब्लम आई है, यहाँ से जो है ये देखिए टूट गई। लेकिन ये वाली जो रॉड होती है ना, काफी हल्की होती है, जैसे ही आप उठाओगे ना, दोनों रॉड में आपको उठाते संग ही अंतर पता चल जाएगा, इसमें काफी वेट है और इसमें वेट नहीं है। तो अगर आप स्पिन मॉप ले रहे हैं, तो मेरी तरफ से मिल्टन के जो है स्पॉट जीरो है, इसके लिए एक बिग यस है, और ये बिल्कुल नो नो है। अगर ग्लूगन की बात करें, तो मैं यूज करती हूँ मैरियो ब्रांड की 40 वॉट्स की ये ग्लूगन, देखिए बिल्कुल बढ़िया चलती है, बिल्कुल अच्छी है। ग्लूगन जरूरी नहीं है आपको ऐसी ही खरीदनी हो, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कितनी ग्लूगन पहले मेरी खराब हो चुकी हैं। देखिए, एक है ये फर्स्ट, सेकेंड, और ये है थर्ड। 3 ग्लूगन आप देख रहे हो ना, ये तीनों किस वजह से खराब हुई, ये बिल्कुल खराब नहीं होती। आप किसी भी लोकल ब्रांड की ग्लूगन ले सकते हो। ग्लूगन केवल तब खराब होती है जब ये गर्म ना हो और आप इसको दबाएं। तो वही हुआ, देखिए इसका ये खराब हो गया है, इसमें भी सेम चीज़ हुई, ये खराब हुआ, और इसमें भी सेम चीज़ हुई, इसका ये खराब हुआ प्लग, क्योंकि था क्या, गर्म नहीं थी और मैंने ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करी, जिससे ये खराब हो गई। ये शायद 150 रुपीस की थी दोनों, और ये वाली शायद मेरी 200 रुपीस की आई थी ये वाली, लेकिन ये तीनों सेम तरीके से खराब हुई।
और ये फिर मैंने ली थी मैरियो ब्रांड की, ये सोच के कि अच्छी होगी। तो ये अच्छी चल रही है, काफ़ी दिनों से आप इसे वीडियोस में देख रहे हो। बस होगा भी वही सेम चीज़ होगी, जब मैं इसे गरम ना जब गरम नहीं हो और इसे दबाने की कोशिश करूँगी तो ये देखिए ख़राब हो जाएगी। तो आप अगर ग्लूगन मंगाएं तो वैसे तो कोई भी आप ले लीजिए, बस ध्यान छोटी सी चीज़ का ही रखिएगा, सारी लगभग एक जैसी होती हैं। वैसे मैरियो की अच्छी होती हैं। दूसरी चीज़, ग्लू होता है उसकी स्टिक अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं यूज़ करती हूँ जो सबसे बढ़िया वाली स्टिक होती है, इनका नाम तो मुझे नहीं पता क्या होता है, बट मैं ये ग्लू स्टिक यूज़ करती हूँ। आप हमेशा अच्छी वाली ग्लू स्टिक मांगिएगा, क्योंकि होता क्या, अगर ग्लू स्टिक अच्छी नहीं होगी, एक बेकार ब्रांड की होगी, तो उससे आपका बिल्कुल भी नहीं पेस्ट होंगी चीज़ें, और वो थोड़ी देर बाद छूट के गिर जाएंगी। बात करें अगर सिलाई मशीन की, तो मेरे पास दो सिलाई मशीन है, बिल्कुल बेसिक मॉडल है। एक का ब्रांड है खेतान और दूसरी है सिंगर ब्रांड की। सिंगर वाली मशीन जो ये है, ये मैंने अभी नई खरीदी है, इसे शायद एक साल के करीब हो रहा होगा। और काफी सालों से, मतलब जब से मैंने सिलाई शुरू करी है 10-15 सालों से, तब से मेरे पास ये खेतान की मशीन है। लास्ट ईयर ये बिल्कुल बढ़िया चल रही थी खेतान की मशीन, जब मैंने आज से करीब 15-16 साल पहले खरीदी थी, तब इसकी कीमत थी 1200 रुपए, 1200 रुपीज। और ये मैं खूब परफेक्ट बढ़िया चलती है। मैंने लास्ट ईयर अपने स्टोर एरिया की क्लीनिंग करी, एक चेयर पे इसको रख दिया, नेक्स्ट डे जब वीडियो बनाने के लिए कुछ सिलाई करनी थी, मैंने इसको उठाया तो ये फिसल के बिल्कुल दूर जाके गिरी थी, और इसके सारे जितने भी मतलब चीजें होती हैं ना, वो सब टूट गई थी, और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सही भी हो जाएगी। तो लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखाई नहीं दिए, क्योंकि शॉप्स वगैरह बंद थी, तो मैंने सेम बेसिक मॉडल की सिंगर की मशीन खरीदी, जो कि मुझे विद कवर और जो नीचे का बेस होता है इसको मिला के करीब 3000 रुपीज की पड़ी थी। और जो अगर अब की प्राइस की बात करूं, तो खेतान मशीन सिंगर से थोड़ी सी शायद 100-200 रुपए महंगी आती है। और मैं आपको बताऊं, मैंने बेसिक मॉडल ही क्यों खरीदा, रीजन ये थी कि मुझे जो घर पे सिलाई करनी है, घर की चीजों की सिलाई करनी है, वो मेरी जो अपनी इस मशीन से पूरी हो जाती थी। मतलब मैं कर्टेंस हुए, बेडशीट्स हुए, बहुत सारी चीजें सिलती हूँ, तो वो आपने देखा ही है, और वो सारी रिक्वायरमेंट इससे कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने बेसिक मॉडल खरीदा। हालांकि खरीदने के बाद जब मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप लोगों का कहना था कि मुझे एक फुली ऑटोमेटिक मशीन लेनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जिन लोगों को देखा है जिनके पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, वो नॉर्मली उस पर उतना काम नहीं करते हैं, केवल बेसिक जो स्टिचिंग होती है या सिलाई होती है वो केवल उसको करते हैं। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये सिंगर की मशीन खरीदी थी। बाद में मैंने केवल 180 रुपीज दे के इस मशीन को सही कराया था, जो अब बिल्कुल बढ़िया चल रही है, क्योंकि मशीन जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। तो अगर आप बिगनर हैं, जैसे आप लोग मुझसे राय पूछते हो कि कौन सी मशीन खरीदें, तो अगर आप बिगनर हैं और आपको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन आपका मन करता है सिलाई करने का, तो आप बेसिक मॉडल लीजिए मशीन के, जिसमें बताऊं ब्रांड जो होते हैं इस बेसिक मशीन के, लगभग सबके एक जैसे होते हैं। यहां तक कि जो लोकल शॉप वाले होते हैं, वो खुद ही असेंबल करके जो मशीन बनाते हैं, वो भी अच्छी होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जब हमें सिलाई आ जाएगी तब हम मशीन खरीदेंगे। अगर आपको नहीं आती है, कोई भी बेसिक मॉडल लीजिए, और वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है सिलाई करने के लिए। लेकिन अगर आप इसे प्रोफेशनल लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, या आपको शौक है कुछ स्टिचेस का या एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, तो आप एक फुली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। तो आप अगर लेना चाह रहे हैं तो बेसिक मॉडल लीजिए, और हाँ, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप कोई भी फुली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। मैंने जो सर्च किया था फुली ऑटोमेटिक मशीन, जब मैं सिंगर की अपनी खरीद रही थी, तब मेरा मन था कि मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन लूं। तब मैंने जो प्लान किया था, उसमें मुझे जो है ब्रदर की मशीन पसंद आई थी, ब्रदर ब्रांड की, या फिर ऊषा की भी जो एक मशीन है वो भी अच्छी है। अब देखो, फ्यूचर में अगर मैं ज्यादा कुछ सिलाई करने लगी तो मैं शायद फुली ऑटोमेटिक खरीदूं, बट अदरवाइज मेरा सारा काम इस एक मशीन से प्रॉपरली चल रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है हेल्थ से रिलेटेड, जिसके ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे। घर में डेली ही स्प्राउट्स बनती हैं और वो जरूर हमें डेली लेनी चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। तो मेरे पास जो स्प्राउट मेकर है, उसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं पहले क्या चीज इस्तेमाल किया करती थी। पहले जो इस तरीके की स्टील की, देखिए एक जाली आती ना, इसमें छेद हो रहे हैं, देखिए नीचे है ना स्टील की, इस तरीके की एक जाली थी, मैं नीचे रखती थी प्लेट और उसके ऊपर रख दिया करती थी इस तरह से, इस स्टील की जाली को। और भीगे हुए जो मूंग की दाल होती है, करीब 4-5 घंटे जो साबुत वाली मूंग की दाल होती है या चने होते हैं,
जब वो भीग जाते हैं तो मैं इसमें डाल के ढक के अंधेरे वाली जगह पे रख दिया करती थी। और इसे मैंने खूब यूज किया है स्प्राउट बनाने में। बाद में मैंने एक स्प्राउट मेकर लिया था जो था कि प्लास्टिक का। अब इस प्लास्टिक वाले स्प्राउट मेकर में जो है स्प्राउट्स बनती हैं, और अभी भी देखिए इसमें स्प्राउट्स पड़ी हुई हैं। तो ये जो है इसमें तीन कंपार्टमेंट है, तीनों में जो हूँ मैं मूंग की दाल या चने ये डाल देती हूँ और स्प्राउट बन जाती है। तरीका बहुत आसान है, जिस चीज के आपको स्प्राउट बनाने हैं उसे 3 से 4-5 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए, उसके बाद इसमें आप भर दीजिए, ऊपर से थोड़े से पानी के छींटे डालिए और इसे रख दीजिए, आराम से रात भर में इसमें स्प्राउट जो हो जाती हैं। तो जो ये प्लास्टिक वाला है यही यूज हो रहा था घर में, या अब ये थोड़ा सा कमी में यूज कर रही थी, फिर मुझे ये दिखा था एक एलिमेंट्री एक वेबसाइट है, वहां से मैंने लिया। ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना टेराकोटा के, उस टाइप का ये बना हुआ है और इसमें बहुत अच्छी से स्प्राउट हो जाती हैं। तो होता क्या है, थोड़ी सी हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, और प्लास्टिक में मैं नहीं बनाना चाह रही थी। दूसरी चीज ये थी कि थोड़ा सा कम पड़ता था, क्योंकि जो चने होते हैं उसमें से स्प्राउट थोड़े देर में निकलते हैं, तो वो 2 दिन तक, मतलब मिनिमम 2 दिन मुझे रखने पड़ते थे इसमें, तो मुझे एक सेपरेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये लिया। बहुत अच्छा है, इसमें बड़े अच्छे से स्प्राउट बन जाते हैं। तो अगर बात इसकी नहीं है कि आपके पास स्प्राउट मेकर कौन सा है, नया खरीद रहे हैं तो प्लास्टिक का ना खरीदिए, जाली में ही बनाए, स्टील की कोई भी जाली हो घर में उसी में बना दें, उसी में बन जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक को थोड़ा सा अवॉइड करिए। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो आते हैं जो मैंने किचन की टाइल्स के ऊपर ये वॉलपेपर लगाया था, देखो बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ और जो ऑयल वगैरह गिरता है यहाँ पे, जैसे छींटे वगैरह भी जाती हैं, तो बस गीले कपड़े से मैं इसे पोंछ देती हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बिल्कुल अभी तक ये खराब नहीं हुआ है। आप इसे ना वॉश भी कर सकते हो और आराम से जो है ये क्लीन हो जाता है। इसे सिंक के एरिया पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम यहाँ लगा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा भी सिंक एरिया रह रहा है क्योंकि इसके ना कुछ कंप्लीट मतलब पूरा नहीं बचा था, छोटे छोटे पीस बचे थे जो कि मैंने सिंक एरिया में लगाए थे और बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन उसमें क्या था ना, छोटे छोटे एरिया, मतलब वो छोटे छोटे पीसेस देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने हटा दिए। पूरा एक रोल मंगा के मैं इस वाले एरिया पे भी मैं पूरा लगाने वाली हूँ। तो वहां पे भी क्या था, जैसे पानी गिरता था, बर्तन वगैरह जैसे धोते हैं तो पूरा पानी आता था, लेकिन बिल्कुल भी वो खराब नहीं हुआ है। और ये तो मैंने जनवरी फरवरी में लगाया था, 3-4 महीने तो आराम से हो रहे हैं और अभी भी बिल्कुल सही चल रहा है। बस एक बात इसमें ध्यान देनी है कि जब आप इसे चिपकाएं तो टाइल्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लें, अगर टाइल्स पे जरा सा भी ऑयल होगा तो ये चिपकता नहीं है, बस टाइल्स क्लीन होनी चाहिए उसके बाद चिपका लीजिए, और फिर हमेशा के लिए आप जो है काफी लंबे टाइम तक जो है आपको टाइल्स को चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसी में एक चीज और है, मैंने ये पुरानी टाल से इस तरीके की बनाई थी ना, ये तो आप लोगों ने ये देखा था, ये बहुत ही सुंदर सा एक टिश्यू होल्डर था, तो आप लोग इसके बारे में पूछे थे, ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदा था। अब रियली मुझे ये याद नहीं है कि मैंने इसे कौन सी वेबसाइट से खरीदा था, शायद एलिमेंट्री से ही लिया हो। इन ड्रॉर्स के ऊपर बहुत कॉमेंट आते हैं, जैसे ही मैं कोई किचन का वीडियो डालती हूँ आप लोग पूछते हो कि ये मैंने कहाँ से लिए। तो देखो ये लोकल शॉप से मैंने ली थी, एक तो ये वाली ली थी और एक मेरी ड्रेसिंग एरिया में रखी हुई है वो भी मैंने लोकल शॉप से ली थी। पहले ये अलमीरा के अंदर रखी हुई थी, तो इसमें छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, जैसे रबर बैंड्स वगैरह किचन में, तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मेरी ड्रेसिंग एरिया पे जो रखी हुई है वो तो मेरी अलमीरा में रखी हुई थी, अभी कुछ दिनों पहले ली है, लॉकडाउन से पहले ली थी मैंने, ये विंटर्स में ही ली थी। अच्छी है ये, बड़ी सुंदर सी लगती है, इसका कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है, और वैसे भी मैं पहले चीजें जो सर्च करती हूँ वो लोकल मार्केट में देख लेती हूँ, क्योंकि है क्या ना मेरी सिटी में मथुरा में बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन का ऑप्शन मुझे लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर मुझे लोकल मार्केट में चीज मिल जाती है तो अपने हाथ में लेके चीजें देख लो तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे लोकल शॉप पे नहीं मिल पाती हैं। आप लोग पूछते हो इन चॉपिंग बोर्ड्स के बारे में, ये वाले जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं ये आइकिया के चॉपिंग बोर्ड्स हैं, प्लास्टिक के हैं। मेरे पास वुडन चॉपिंग बोर्ड भी हैं, वुडन भी है चॉपिंग बोर्ड। होता क्या है, वुडन के ऊपर जैसे कुछ कट करती हूँ ना मैं, तो इस वाले चॉपिंग बोर्ड को रख के फिर कट कर लेती हूँ, तो ये अच्छे रहते हैं, बढ़िया चलते हैं, तो मुझे ये अच्छे लगे थे। एक तो इसमें से ना आप कुछ भी कट करो तो निकाल के कूड़ा डाल सकते हो कहीं पे भी, तो ये 2 का सेट आता है और ये मेरे काफी काम आते हैं ये वाले।
और वैसे भी इतने पतले से है ना, इन्हें आप स्लैब पे रख के कुछ काम करना होता तो मैं स्लैब पे रख के भी इस पे कुछ काम कर लेती हूँ। ये मुझे अच्छे लगे थे दोनों, चल रहे मेरे काम आ रहे हैं। तो वुडन का चॉपिंग बोर्ड और उसके साथ ये वाले जो प्लास्टिक के जो है, ये अच्छी प्लास्टिक के बने हुए हैं, ये मेरे खूब काम आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, एक्सपीरियंस था मेरा प्रोडक्ट्स के साथ, वो मैंने शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको और किस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।